हमारे महाराष्ट्र में चुनकर आए, उसके बावजूद भी कांग्रेस के आग्रह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़कर कांग्रेस पार्टी को दिया और उसके पश्चात फिर 2009 के चुनाव में फिर चुनाव साथ में लड़े। इस मिलाकर 15 वर्षों का एक लंबा सफर हमारे दोनों पार्टियों का रहा है। लेकिन अभी इस चुनाव में हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने लंबे हमारे एक दूसरे के साथ साथ होने के बाद भी जो एक योग्य निर्णय वक्त पर होना चाहिए वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच में नहीं हो पाया। 1.5 महीने पहले हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को मिलने के लिए स्वयं गए और उस वक्त हमारी भूमिका हमने स्पष्ट की कि हम कांग्रेस के साथ फिर से इस चुनाव में हम साथ जाना चाहते हैं और कांग्रेस ने उस बात को स्वीकारा। उसके पश्चात करीब 1 महीने पहले दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी जी, अहमद पटेल जी, शरद पवार जी और मेरे स्वयं की मीटिंग हुई। उसमें हमने हमारी भूमिका रखी कि हम इस बार बराबरी की सीट दोनों पार्टी की हम लड़ना चाहते हैं और इसके लिए जल्द से जल्द हम लोगों ने बैठकर फैसला करना चाहिए। पिछले 3-4 हफ्तों से इस बात को कहीं भी अधिकृत तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने हमारे से नहीं की। पिछले 4 दिन के पहले पहली एक औपचारिक बैठक इस विषय में मुंबई में हुई, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, हमारे प्रांत के अध्यक्ष सुनील तटकरे जी और हमारे वरिष्ठ नेता भुजबल जी और मैं हम गए थे और उस मीटिंग में हमने हमारी भूमिका रखी। कांग्रेस पार्टी को कहा कि आप 2009 में हमारी सीटों को कम किए क्या कहकर कि हमारी लोकसभा की सीटें ज्यादा ही है और इसलिए हम आपसे बड़े पार्टी हैं और आपकी सीटें जो विधानसभा में हम कम करना चाहते हैं, तो 124 जगह जो हमारी थी उसको 114 जगह पर कांग्रेस पार्टी ने किया था। उस वक्त भी हमने काफी हमारी बात को समझाने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी नहीं मानी और एक फिर से महाराष्ट्र में, जैसे हम बार बार कहते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील सरकार बने, इस बात की इस भूमिका को हमने स्वीकार किया। इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के बनिस्बत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डबल एमपी यहां से चुनकर गए। विधानसभा का भी अगर हिसाब लगाए तो हमारे यहां से विधानसभा में भी जो असेंबली सेगमेंट है उसमें हमारी लीड ज्यादा थी और इस परिस्थिति में हमने कांग्रेस को विनती की कि आप हमारी जगह बढ़ाकर दीजिए, आधी आधी जगह करेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे और फिर से महाराष्ट्र में हम मिलजुल कर एक सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के ओर से जब 4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, ये सारी बातें हमने रखी। हमने ये भी कहा कि 15 साल आपके पास मुख्यमंत्री का पद रहा है, इस बार हम दोनों ने मिलकर आधी आधे टर्म के लिए 2.5-2.5 साल के लिए इस पद को हमने रखना चाहिए। ये बात को हमको कोई अव्यवहारिक नहीं लगती है, ये उचित है और आप इस पर जरूर विचार करें। कांग्रेस पार्टी की ओर से 124 सीट का प्रस्ताव 4-5 दिन के पहले उनके राज्य के अध्यक्ष के द्वारा दिल्ली की एक बैठक के बाद उन्होंने किया था, जो हमने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा था पिछले शनिवार को कि हमको ये मंजूर नहीं है और आप हमको एक दूसरा प्रस्ताव जरूर करिए और उसको हमने फिर से हमारी 4 दिन पहले की मीटिंग में ये दोहराया था। दुर्भाग्य से ये सारी बातें अधूरी रह गई, वक्त निकलते गया। मुख्यमंत्री महोदय कल अपने विधानसभा क्षेत्र में वो स्वयं लड़ रहे गए, स्वाभाविक है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वक्त का तकाजा और चुनाव आयोग का जो समय सीमा है वो 27 तारीख मतलब परसों ये फॉर्म नामांकन के लिए समाप्त हो रही है और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अब वक्त गुजर गया है। कांग्रेस पार्टी को हमने जो कुछ सूचना की थी, कुछ हमारे असेंबली सेगमेंट थे जो हमारे अपक्ष और हमारे मित्र पक्षों ने जो हमको एक दूसरे को साथ दिया उनके लिए जगह रखना चाहिए, तो परसों जब औपचारिक हमारी मुलाकात हुई उसमें कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि हमारे पास जो साथी है हम उनकी जगह हम रखेंगे, आपके पास जो सहयोगी पक्ष है या साथी है अपक्ष उम्मीदवार उनकी जगह आप रखेंगे।